बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन रेसिपी स्विंग्स। आज की वीडियो में हम आपको मलाई बोटी बगैर ग्रिल के बनाना सिखाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इस वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमने 2.25 किलो चिकन लिया है, ठीक है, तो इसको हमने सिरका और नमक के साथ धो लिया और ये वाइट सा हो गया, ठीक है। ये लेग वाला हिस्सा हमने लिया है, लेग और थाई, ठीक है। लेग और थाई इस वजह से हमने लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी बनता है, तो हमेशा आप भी कोशिश करें कि लेग वाला हिस्सा ही लें। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना खाना चाहें, वैसे 1 टेबल स्पून इसमें परफेक्ट है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इससे क्या होगा कि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी इन्हांस होता है। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और थोड़ा सा तीखापन भी आएगा इसमें। अगला जो हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे ये है 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा और सूखे धनिए का, वो हमने ये पीस लिया है, इसको ये डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू भी आती है, फ्लेवर भी आता है। 1 पाव इसमें डालेंगे हम दही, दही से बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है, ठीक है, 1 प्याली या 1 पाव। अगली जो चीज़ हम इसमें डालेंगे वो 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर। इसमें हमने ब्लैक पेपर नहीं डालना और रेड चिली पाउडर नहीं डालना, ठीक है, इसे वाइट वाइट नहीं रखना, ये 1 टेबल स्पून। इसमें अब हम डालेंगे 250 ग्राम 200 से 250 ग्राम हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर ये देखिए, इसको अब हम 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। अगर आपने इसमें अच्छा फ्लेवर लेना है तो 5 से 6 घंटे के लिए आपको इसको रखना पड़ेगा, और फिर हम जब इसको ग्रिल करेंगे और आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। Got a one.